सो अगर इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो 110% का इसमें ग्रोथ देखा गया है, जो कि अनबिलीवेबल है, आप सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा परफॉर्म करती है यार ये हैचबैक, और इस गाड़ी की सेल, चाहे आप कितना भी बोल लो सेफ्टी रेटिंग जीरो है, ये है वो है, इस कार की सेल बिल्कुल कम नहीं होती है। एंड जो इस कार को लेना चाहते हैं वो भाई और किसी कार की तरफ देखते नहीं है, इसी कार की तरफ जाते हैं। सो अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर वन कार की, तो कोई गैस कर सकता है अगेन? हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 कार्स अप्रैल के महीने में, एंड देखेंगे कि किस कार ने अप्रैल मंथ में कितनी सेल करी है, एंड जो टॉप 10 की लिस्ट है ना, इसमें कितना ज्यादा फेरबदल हुआ है और किस कार ने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करता हूं नंबर 10 पोजीशन की। सो नंबर 10 पोजीशन पे जो कार आती है वो है Hyundai Venue। Hyundai Venue की अप्रैल मंथ की सेल की बात की जाए तो इस कार ने सेल करी है 10,342 यूनिट्स, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2022 की कार सेल से, तो 2022 में Hyundai Venue की सेल थी 8,392 यूनिट। सो ऑलमोस्ट इस कार में 7.38% का इंक्रीमेंट देखा गया। सो अब बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। सो नंबर 9 पोजीशन पे जो कार आती है वो है मारुति इको, एंड मारुति इको की अप्रैल मंथ की सेल की बात करूं तो इस कार ने अप्रैल मंथ में 10,504 यूनिट सेल कर दिए, और वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके लास्ट ईयर अप्रैल मंथ से, तो लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में इसने 11,154 यूनिट सेल की। सो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो इस कार ने -5.83 का डिफरेंस आया है, तो थोड़ी सी गिरावट आई है इसकी सेल में। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन की। नंबर 8 पोजीशन पे जो कार आई है वो है टाटा पंच। टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है इसने टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा जगह बनाई है। अगर बात करूं इसके अप्रैल मंथ की सेल की, तो अप्रैल में इस कार की 10,934 यूनिट सेल हुई है, और वहीं कंपेयर करूं इसको लास्ट ईयर अप्रैल 2022 से, तो लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में इसने 10,132 यूनिट सेल की थी। वहीं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो 7.92% का ग्रोथ इसमें देखा गया है। अब बात करते हैं 7 पोजीशन की। तो 7 पोजीशन में जो कार आती है वो है मारुति ऑल्टो। सो अगर मारुति ऑल्टो की अप्रैल मंथ की सेल की बात करूं तो मारुति ऑल्टो की अप्रैल मंथ में जो सेल हुई है वो है 11,548 यूनिट्स, और वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके लास्ट ईयर अप्रैल मंथ की सेल से, तो लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में जो इसकी सेल थी वो थी 10,443 यूनिट्स। तो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो इसमें 10.58 का ग्रोथ देखा गया है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है, और ये एंट्री लेवल कार है मारुति की तरफ से आने वाली, एंड इस कार की डिमांड कभी कम नहीं हुई है, एंड ये कार आज भी लोगों की पहली पसंद है अगर जो अपनी फर्स्ट कार लेना चाहते हैं। बात करते हैं 6 पोजीशन की। तो 6 पोजीशन में जो कार आती है वो है मारुति ब्रेजा, एंड मारुति ब्रेजा की अगर मैं अप्रैल मंथ की सेल की बात करूं तो मारुति ब्रेजा की जो अप्रैल मंथ की सेल हुई है वो है 11,836 यूनिट्स, और अगर वहीं इसको कंपेयर किया जाए इसके लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में जो इसकी सेल थी वो थी 11,764, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो 0.61 का इसमें ग्रोथ देखा गया है। मारुति ब्रेजा ने लास्ट मंथ इससे थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, एंड ये इससे ऊपर रैंक कर रही थी, बट इस महीने ये थोड़ा नीचे आई है, एंड अभी इसको 6 पोजीशन मिली। सो अब बात करते हैं अपने लिस्ट में 5th पोजीशन की कार। सो गाइस, 5th पोजीशन पे जो कार आई है वो है Hyundai Creta, एंड Hyundai Creta एक ऐसी कार है जिसकी सेल्स हमेशा एक कंसिस्टेंट सेल करी है इसने, एंड ये हमेशा टॉप 10 लिस्ट में रही है, एंड Creta Hyundai की एक टॉप सेलिंग कार भी है। तो बात करी जाए Hyundai Creta के अप्रैल मंथ की सेल की, तो इस कार की जो अप्रैल मंथ में सेल हुई है वो है 14,186 यूनिट। वहीं इसको कंपेयर करूं अगर मैं इसकी अप्रैल 2022 की सेल से, तो अप्रैल 2020 में जो इसकी सेल थी वो थी 12,651 यूनिट्स। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो इस कार में 12.13% का ग्रोथ देखा गया, जो कि एक काफी अच्छा ग्रोथ है, और काफी लंबे टाइम से ये कार टॉप 10 लिस्ट में बनी हुई है। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन की। तो नंबर 4th पोजीशन पे जो कार आई है वो है टाटा नेक्सॉन, एंड टाटा नेक्सॉन ने फाइनली इस बार फिर से मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ दिया है, एंड वो बन गई है नंबर 4th पोजीशन। सो गाइस, अगर अप्रैल मंथ की बात करूं टाटा नेक्सॉन की सेल की, तो अप्रैल मंथ में टाटा नेक्सॉन की 15,002 यूनिट सेल हुई है, एंड वही कंपेयर करूं इसको लास्ट ईयर अप्रैल 2022 की सेल से, सो लास्ट ईयर इस कार की 13,471 यूनिट सेल हुई थी, एंड अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो 11.37% का इसमें ग्रोथ देखा गया है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। सो गाइस, अब बात करते हैं टॉप 3 कार्स की, एंड नंबर 3 पोजीशन पे जो कार आई है वो है मारुति बलेनो। बलेनो की अप्रैल मंथ की सेल की बात करूं तो इस कार की अप्रैल मंथ में 16,180 यूनिट सेल हुई है, और वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूं
लास्ट ईयर अप्रैल 2022 से, तो लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में इसकी 10,938 यूनिट सेल हुई। सो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूँ तो 47.92% का इसमें ग्रोथ देखा गया है। एंड जब से इस कार का फेसलिफ्ट आया है, इस कार ने अपनी अच्छी, काफ़ी अच्छी डिमांड बना ली है मार्केट में, एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी सेल हो रही है इस समय। एंड अभी जैसे प्रॉन्क्स लॉन्च हुई है मारुति की तरफ से, तो हो सकता है इसकी सेल्स पे इफेक्ट पड़े, बट अभी फिलहाल अप्रैल मंथ में इसने काफ़ी अच्छी सेल करी है एंड ये नंबर 3 पोजीशन पे आने में कामयाब हुई है। अब बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन की। सो नंबर 2 पोजीशन पे जो कार आ रही है वो भी मारुति की तरफ से है। थोड़ा हिंट देता हूँ मैं आपको, ये एक ऐसी हैचबैक कार है ना जो काफ़ी लंबे टाइम से यार ये इस सेगमेंट को रूल कर रही है, एंड इसका कॉम्पिटिशन अभी तक कोई नहीं आया, तो आप गेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये है मारुति स्विफ्ट। एंड मारुति स्विफ्ट की अप्रैल मंथ की सेल की बात करूँ तो अप्रैल मंथ में जो इसकी यूनिट सेल हुई है वो है 18,753 यूनिट्स। और वही बात करूँ इसको मैं लास्ट ईयर अप्रैल 2022 की सेल से, तो अब लास्ट ईयर जो इस कार में यूनिट सेल हुई थी वो थी 8,898 यूनिट्स। सो अगर इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूँ तो 110% का इसमें ग्रोथ देखा गया है, जो कि अनबिलीवेबल है, आप सोच नहीं सकते। बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये हैचबैक, और इस गाड़ी की सेल, चाहे आप कितना भी बोल लो सेफ्टी रेटिंग जीरो है, ये है वो है, इस कार की सेल बिल्कुल कम नहीं होती है। एंड जो इस कार को लेना चाहते हैं वो भाई और किसी कार की तरफ देखते नहीं है, इसी कार की तरफ जाते हैं। सो अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 कार की, तो कोई गैस कर सकता है, अगेन नंबर 1 पोजिशन पे मारुति की कार है। और अगर आप गैस कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बताओ, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो नंबर 1 पोजीशन पे जो कार आई है वो है मारुति की तरफ से आने वाली वैगनार। एंड वैगनार यार एक मिडिल क्लास फैमिली कार है, एंड इस कार में आपको वो सब कुछ मिलेगा, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छी एवरेज, और क्या चाहिए यार और आपको। सो अगर इस कार में मैं बात करूँ अप्रैल मंथ की सेल की, तो इस कार की अप्रैल मंथ में जो सेल हुई है वो है 20,879 यूनिट्स। और वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसकी लास्ट ईयर सेल से, तो लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में जो इसकी सेल हुई थी वो हुई थी 17,766। सो हमेशा इस कार की अच्छी खासी सेल होती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो इसमें 17.56% का ग्रोथ देखा गया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ परसेंटेज है। सो गाइज, मारुति का एज ऑलवेज आप जब भी देखोगे ये जो टॉप 10 की लिस्ट है, इसमें मारुति कई कार्स लिस्ट होती है, एंड अभी भी लोग मारुति की कार्स को प्रेफर करते हैं। सो ये लोगों का बिलीव है मारुति में, एंड मारुति ने ये ट्रस्ट कमाया है इतने सालों में। सो गाइस, ये थी हमारी टॉप 10 कार की लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।